सभी को नमस्कार, हमारे चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। आज हमारे पास साझा करने के लिए वेडनेसडे सीजन 2 की रिलीज की तारीख पर चर्चा करेंगे और अन्य विषय पर भी चर्चा करेंगे। कुछ मूवी स्ट्राइक की वजह से डिले हो गया है, उनके तारीखों पर चर्चा करेंगे। तो अपने आवर्धक चश्मा पकड़िए और सीधे खबर सुनने के लिए चलिए। तो पहले राइटर स्ट्राइक और एक्टर स्ट्राइक की वजह से जो मूवी लिस्ट है जो कि डिले हो चुका है, उनके लिस्ट के बारे में जान लेते हैं। तो डून पार्ट 2 जो आने वाला था इसी साल नवंबर महीने में, जो कि पोस्टपोन करके 15 मार्च 2024 कर दिया गया है। इसी तरह अन्य फिल्में भी शामिल है जो कि इन हड़तालों के कारण नई रिलीज तारीख मिल रही है, जो कि गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर जो आने वाला था 15 मार्च को, जो कि पोस्टपोन करके 12 अप्रैल 2024 कर दिया गया है। और एक नया शानदार फिल्म जो कि लॉर्ड्स ऑफ द रिंग द वॉर ऑफ द रोहिरिम जो कि आने वाला था 12 अप्रैल 2024 को, जो कि पोस्टपोन करके ये भी आपको 13 दिसंबर 2024 कर दिया गया है। तो अब बात करने वाले हैं वेडनेसडे सीजन 2 की रिलीज तारीख पे हम चर्चा करेंगे और शूटिंग अपडेट्स के ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो जैसे हमको पता है कि एक साल पहला सीजन को बनाने में लगा था 12 महीने, जो कि इस बार दूसरा सीजन काफ़ी VFX हैवी सीरीज होने वाला है, जो कि इस वजह से आपको ये अभी थोड़ा तो समय ज़्यादा ही लगने वाला है, क्योंकि इस बार VFX हैवी सीरीज है तो 1 से 1.5 साल लग सकते हैं। तो ये अभी एक्सपेक्टेड है, उम्मीद है, लेकिन अभी जितने रिपोर्ट और करंट रिपोर्ट आ रहे हैं उसके अनुसार तो बताया जा रहा है इस साल के सितंबर से इसका शूटिंग स्टार्ट हो जाएगा, जो कि अच्छी बात है। लेकिन रिपोर्ट ऐसी आ रही है, लेकिन आपको पता है राइटर स्ट्राइक चल रहा है और एक्टर स्ट्राइक चल रहा है, तो इसके आगे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप समझदार हैं। तो जैसे कि हमको पता है अभी अपील डाला गया था स्टूडियो के तरफ से, जो कि स्टूडियो के तरफ से एक अपील डाला था तो वो रिजेक्ट हो गया पहला वाला। उसके बाद फिर से अपील डाला गया था, तो वो अपील नहीं डाला गया था। फिर से मुझे पता चला और रिसर्च करने के बाद, तो वो बातचीत करके मसला ख़त्म करना चाहते थे, वो उनका मांग पूरा नहीं करने चाहते थे। अब रिलीज तारीख की बात करें तो जैसे हमको पता है कि यह 1 साल से 1.5 साल लग सकता है इसका शूटिंग और ये सब कुछ करने में। तो जैसे कि हमको पता है यह 2025 के मिड से पहले तो आने वाला नहीं है, जैसे कि मैंने सब कुछ बताया। अगर सब सही से चला तो अगर ये एक्टर स्ट्राइक ख़त्म क्यों नहीं होता, एक्टर स्ट्राइक ख़त्म नहीं होता, अगर साला ख़त्म क्यों नहीं होता यार, पता नहीं, लेकिन ये ख़त्म हो जाएगा तो सही समय पर सब कुछ जल्दी हो जाएगा, आपको एकदम 2025 के मिड तक आपको देखने को चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो इससे ये सब जानने के बाद जो भी ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ये सब मुझे पता चला, जो भी पता चला आपको मैंने बता दिया। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में अपना एकदम क्वेश्चन जो भी है एनिमे वेब सीरीज और मूवीज़ के बारे में जानना है तो कमेंट सेक्शन में एकदम बताइएगा बिंदास क्वेश्चन मार्क के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लेटेस्ट अपडेट के साथ जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।